और लॉकडाउन में स्कूल बंद है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में फीस के विवाद पर कोई ठोस अभी तक फैसला नहीं लिया गया। अभिभावकों को इसका इंतजार है। अब झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान किया है। सरकार के आदेश के बाद भी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी जारी है। इसी का विरोध करते हुए झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने रांची में एक प्रेस वार्ता की और फैसला लिया है कि 26 जून से लेकर 3 जुलाई तक वो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देखिए, लगातार अभिभावकों की शिकायत हमें प्राप्त हो रही है और राज्य सरकार की जो घोषणा थी वो घोषणा ही रह गई। अभी तक उस पर कहीं कोई आदेश नहीं निकल पाया। इन सभी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने 26 जून से आंदोलन हम लोग शुरू कर रहे हैं। 26 लॉकडाउन के कारण अभिभावक परेशान है। गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर अब यह मुद्दा राज्य स्तरीय नहीं रह गया है। कई राज्यों में पेरेंट्स एसोसिएशन लगातार आंदोलनरत है। लॉकडाउन की अवधि में सभी पेरेंट्स की आमदनी का जो स्रोत था वो बंद हो गया। कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने बच्चों की फीस दे पाए, क्योंकि वो घर का जो रेगुलर खर्च है वही बहुत मुश्किल से चला पा रहे हैं। गौरतलब है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों की स्थिति कहीं ना कहीं खराब है। अब देखना ये होगा कि इनके चरणबद्ध आंदोलन का कितना असर सरकार और प्राइवेट स्कूलों पर पड़ता है। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी कुमार की रिपोर्ट।